हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में ये हेयर ड्रायर रिपेयर के लिए आया है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। ये इसको मैंने लाइन दे दी है और जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल डेड है। इसके अंदर ना ही तो फैन चल रहा है और ना ही जो है कॉइल भी हीट हो रहा है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और खोल करके चेक करते हैं। इसको खोलने के लिए दोस्तों ये यहाँ पर एक स्क्रू ये एक लगा हुआ है, एक स्क्रू इसमें है, एक स्क्रू यहाँ है। पहले ये स्क्रूओं को हटाना होगा, फिर उसके बाद में ये दो साइड के दोनों स्क्रूओं को हटाना होगा, उसके बाद में ये खुल पाएगा और उसके बाद में हम इसको देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा कवर खुल गया है और जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन यहाँ तक आई है और ये चेंज ओवर स्विच के साथ में ये हाई और लो स्पीड के ये वायर्स अंदर गए हुए हैं। पहले हम यहाँ पर केबल पहले हम यहाँ देख लेते हैं इसको खोल करके। ये सारे स्क्रूओं को हमको ये रखना है। दोनों कवर निकल गए। और इसका ये कवर भी यहाँ से हम खोल लेते हैं। ये दोनों साइड के स्क्रू खोलने के बाद ही इसका एक कवर बाहर निकलेगा और उसके बाद में इसका ये सारा अंदर का जितना भी पार्ट्स हैं, इसका कॉइल है, फैन है, ये सारे हम निकाल पाएंगे बाहर। तो दोस्तों देखिए ये ढंग से खुल चुका है और इसको हमें यहाँ पर निशान लगा लेते हैं ताकि फिटिंग करते वक्त में हमको कोई परेशानी ना हो। काफ़ी मज़बूत हेवी और स्टील बॉडी इसको दी हुई है। इसको हम एक बार मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी इसकी। दोस्तों इस कॉइल को हमने चेक किया अच्छे से और उसके बाद में इसका जो फॉल्ट निकल करके आया, तो ये जो कॉइल हैं ये दोनों दो कॉइल हैं इसके अंदर में, ये एक छोटा कॉइल है और एक बड़ा कॉइल है। तो ये छोटा कॉइल और बड़े कॉइल दोनों भी जो है यहाँ से जल चुके थे, कनेक्शन इसके टूट चुके थे। तो ये मैंने इसके कनेक्शन यहाँ पर कर दिए हैं। जैसे इसको आपको दिखाने के लिए मैंने ये इसका छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो देखिए ये हमारी सप्लाई है और ये सप्लाई का न्यूट्रल ये दोनों कॉइलों को यहाँ पर शॉर्ट करके मिला दिया जाता है
और उसके बाद में ये जो एक कॉइल है इसका एक पॉइंट, ये हमारे यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये जो यहाँ हमारी मोटर है जो घूमती है वो ये ब्रिज रेक्टिफायर इसके ऊपर अटैच होता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पर जो सप्लाई का एक पॉइंट है वहाँ पर इससे ये कनेक्ट होता है। और दूसरा पॉइंट ये हमारे स्विच में आता है और स्विच से इसको कनेक्ट होकर के वो यहाँ पर मिल जाता है और ये सप्लाई ये हमारी दूसरी यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होता है। यानी एक मरतबा जब हम स्विच चालू करते हैं तो ये स्विच एक पॉइंट से कनेक्ट करता है तो ये हमारा एक ही कॉइल जो है यहाँ पर हीट होता है। और जब ये स्विच हम दूसरे स्टेप में जाते हैं तो ये दोनों को कनेक्ट कर देता है, तो जिसमें से ये हमारी सप्लाई जो है यहाँ से इसमें डायरेक्ट जाती है और ये यहाँ से जो है दोनों कॉइलों में से घूम करके इधर आती है। तो एक कॉइल के ऊपर जो है जब ये दोनों कॉइलों में से घूम कर सप्लाई जाती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, और दोनों कॉइलों में से जब सेम सप्लाई जाती है तो उस वक्त ये हमारी स्पीड जो है इसकी मोटर की ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से ये सिंगल और डबल स्पीड में ये काम करता है। और ये यहाँ पर ये टू वे स्विच यहाँ पर है जो एक वक्त में कभी इसको एक को कनेक्ट करता है और दूसरी मरतबा में दोनों को मिलाकर कनेक्ट कर देता है। तो ये छोटा सा इसका सर्किट डायग्राम है, इसको मैंने अभी रिपेयर कर दिया है और अब मैं आपको जो है इसको चेक करके दिखवाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस ढंग से भी हमारा हेयर ड्रायर फिट हो चुका है तो इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे आप आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ये हमारा हेयर ड्रायर जो है अच्छे से काम करने लग गया है। इसमें से काफ़ी गर्म हवा भी अच्छे से आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।